आज की वीडियो में मैंने सोचा कि डायलोस्पर्मा नेपिफॉर्म के जो सीड्स लगाने हैं तो सीड से कैसे इसकी प्रोपेगेशन की जाती है, ये देखिए। इसके बहुत सारे सीड पॉड्स हैं, लकीली मुझे जो प्लांट सेलर ने दिया था उस पर सीड पॉड्स लगे हुए थे। तो ये टोटली जो है अब राइप हो चुके हुए हैं, पक चुके हुए हैं। इनको सबसे पहले हम हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद इसको किस तरह के सॉइल मीडियम में लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपके सामने लगाकर इसका सोइंग रिज़ल्ट भी शेयर करूंगा, क्योंकि एक सीड जो है मेरा ग्रो भी हुआ हुआ है इसका। तो सबसे पहले इसके हम सीड्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये सीड्स मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, पॉड्स यानी कि इनके। तो अब इन पर से हम सीड्स निकाल लेंगे। या पॉड अगर देखें तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इनको वेट कर लें तो पॉड्स खुद ही ओपन हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये देखिए छोटे छोटे ये सीड्स हैं बिल्कुल स्मॉल से। ये देखें, ये इतने ही स्मॉल सीड्स होते हैं इनके। ये मेरे पास पॉट है, ये तकरीबन मेरा 3x3 इंच का पॉट है, डीप पॉट है। डीप की ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन मैंने डीप इसलिए लिया है ताकि मुझे बार बार वाटरिंग ना करनी पड़े। अभी चूँकि सर्दियाँ हैं, एक्टिव सीज़न है, लेकिन इनको फिर भी हीट चाहिए होती है। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए हीट चाहिए होती है। मैंने अब सॉइल मिक्स में क्या लिया, जल्दी जल्दी उसकी तरफ आते हैं। सॉइल में जो है मैंने लिया है जो राइस हस्क ऐश ली है, सैंड ली है, और थोड़ी सी प्यूमिस है, वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है, और साथ में बिल्कुल थोड़ी सी जो है कंपोस्ट है, बहुत थोड़ी सी कंपोस्ट है, क्योंकि सीड्स के लिए कंपोस्ट ज़रूरी नहीं है, आपको इसको फंगस से बचाना है। जो सीज़न यानी दिसंबर का एंड चल रहा है, ये इस सीज़न में फंगस बहुत कम लगता है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी थोड़ा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो सीड्स हैं मैंने इन सबको मैंने मिक्स कर लिया, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जो मैं बताऊँ वो ये है कि मैंने इसको पहले ही वेट कर लिया था। वेट करने के बाद मैंने इस सारे मिक्सचर को एक दफ़ा सारा पानी ड्रेन होने दिया, उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। फिर जब पानी बिल्कुल इतना रह गया कि ये सॉइल मिक्स सिर्फ वेट था, तो मैंने इसको वापस से जो है लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद अब मैंने इसको सारा मिक्सचर को ऐसे रख दिया। मैं इसके ऊपर कोई सॉइल कुछ भी नहीं डालूँगा, डायरेक्ट मैं इसके ऊपर ये वाले जो मेरा सीड्स हैं जो नियरली पाउडर लग रहा है आपको, ये मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगा। ये सब के सब सीड्स हो सकता है जर्मिनेट कर जाएं, या हो सकता है 80% सीड्स जर्मिनेट करें। आप अगर देखें तो मैंने सारा स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। अब जो है मैं सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी वेट थी तो मैंने इसको सिर्फ प्रेस करना है। सीड्स अगर नज़र आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, वो ज़रूर ऐसे ही ग्रो करेंगे। अब आपको मैं एक रिज़ल्ट दिखाता हूँ इन्हीं सीड्स का जो ग्रो कर गई मैं ख़ुद से, और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था तो मैंने कहा आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए। इसको अब मैंने ऐसे रख दिया, अब मैं इसको पॉलीथीन से कवर कर दूँगा ताकि अंदर जो है मॉइस्चर रहे और थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो जाए। अब इसको मैं ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से कवर कर दूँगा ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और साथ ही साथ जो है हीट भी रहे इसमें। तो मैंने इसको ये इसमें ऐसे कवर कर दिया, और कवर करके मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। ये यहाँ पर ये बहुत ही छोटा सा आप देखें क्यूट सा ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले जो इसके कॉटिलीडेंट्स हैं और उसके बाद जो है ट्रू लीव्स निकलने स्टार्ट हुए हैं, तो ये इस स्टेज तक सीडलिंग आपकी इजीली केयर आपको इसके बाद करनी है, क्योंकि बहुत सी सीडलिंग्स जो हैं मर जाएंगी और सर्वाइव नहीं करेंगी। लेकिन सीज़न बहुत अच्छा है अभी, ग्रोइंग एक्टिव सीज़न है, तो ये अभी तो एक्टिवली ग्रो करेंगे।